हाय फ्रेंड्स, तो हाजिर है आपका दोस्त बालमदास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन न्यूज़ की वीडियो लेकर। और आज की हमारी क्लास नंबर है 60। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास नंबर 60 एंड इन दिस टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ यूजिंग स्टेप, द यूज़ ऑफ कीप ऑन प्लस केप्ट ऑन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा द यूज़ ऑफ कीप ऑन प्लस केप्ट ऑन। कीप ऑन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ा जाता है, जबकि जो केप्ट ऑन है वो हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी मायना मैंने यहाँ पे लिखी है जारी रहना, यानी ऐसा काम जो सब्जेक्ट कुछ अरसे के लिए कुछ मुद्दत के लिए जारी रखता है, यानी ऐसा काम जो सब्जेक्ट कुछ अरसे के लिए कुछ मुद्दत के लिए जारी रखे हुए बैठा है या जारी रखे हुए बैठा था या जो है जारी रखेगा फ्यूचर के अंदर। तो ये जो यूज है कीप ऑन और केप्ट ऑन, ये तमाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा है जो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज, उसके बाद वी फोर से मुराद है वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, और उसके बाद हम देंगे ऑब्जेक्ट। तो जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में, इन तक मैं आज इस वीडियो के अंदर आपका जो सेंस है वो क्लियर करवा दूंगा कि आपने कीप ऑन और केप्ट ऑन कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ। देखिए, अगर ये सेंटेंस होता कि मैं पढ़ता रहता हूँ तो और मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ कोई फर्क नहीं है, अगर ये सेंटेंस होता कि मैं पढ़ता रहता हूं या सारा दिन पढ़ता रहता हूं कोई फर्क नहीं है। अब ये सेंटेंस जो है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि सब्जेक्ट जो है सारा दिन वो काम जारी रखे हुए बैठा होता है, सब्जेक्ट सारा दिन अपना काम जारी रखे हुए बैठा होता है। ऐसे सेंटेंसेस जो है कीप ऑन और केप्ट ऑन के यूज से होते हैं। तो आते हैं सेंटेंस की तरफ, मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना आई, आई के साथ कीप ऑन, उसके बाद पढ़ना हमारा वर्ब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टडिंग होल डे, सारा दिन को हम कहते हैं होल डे। तो ये हमारा सेंटेंस जो था मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूं उसको हमने ट्रांसलेट किया तो ये हो गया है आई कीप ऑन स्टडिंग होल डे। आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, ये है वो यहां आता रहता है, यानी वो यहां आने का काम जो है कुछ अरसे से जारी रखता रहता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। लेकिन यहां पे एक और चीज होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस ई एस या आई एस का इजाफा करते हैं, उसी तरह यहां पे हमने जो है कीप ऑन के अंदर एस लगाना है, ये होगा कीप्स ऑन, ये हो जाएगा कीप्स ऑन, और उसके बाद हम देंगे वर्ब कमिंग, और उसके बाद हम देंगे ऑब्जेक्ट हेयर। वो यहां आता रहता है, ही कीप्स ऑन कमिंग हेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस की तरफ, क्या माधुरी नाचती रहती है, क्या माधुरी नाचती रहती है। तो इस सेंटेंस में हम, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है पहले इस्तेमाल करेंगे, और माधुरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज का इस्तेमाल पहले करेंगे, डज माधुरी कीप ऑन डांसिंग, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर यहां पे हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम जो है डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करेंगे कीप ऑन के साथ, लेकिन ये इंट्रोगेटिव था तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डस दे दिया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो यूज है कीप ऑन या केप्ट ऑन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर पढ़ा जाता है। तो आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे, हमारा नंबर फोर सेंटेंस है मेहकान पूरा पीरियड लिखती रहती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम करेंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट में, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे मेहकान, अब पास्ट इंडेफिनिट है तो हम केप्ट ऑन देंगे, तो हम लगाएंगे केप्ट ऑन, मेहकान केप्ट ऑन
लिखना राइटिंग होल पीरियड, ये हमारा सेंटेंस जो था वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने किया है। मेकान पूरा पीरियड लिखती रहती थी, मेकान केप्ट ऑन राइटिंग होल पीरियड या कंप्लीट पीरियड। आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे, वो सारा दिन नहीं खेलता रहता था, नेगेटिव, वो सारा दिन नहीं खेलता रहता था। ही डिड नॉट कीप ऑन। अब देखिए जब डिड नॉट आ गया है तो हमने केप्ट ऑन को वापस कीप ऑन के अंदर लाना है। ही डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग होल डे, वो सारा दिन नहीं खेलता रहता था। आते हैं नंबर 6 सेंटेंस पे, जो कि हमारा है बच्चा अब सारी रात रोता रहेगा। यानी एक बच्चा है जिसकी आदत बताई जा रही है कि वो, क्योंकि अब उसने रोना शुरू कर दिया है तो अब ये सारी रात जो है रोता रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, चाइल्ड विल कीप ऑन क्राइंग होल नाइट। आते हैं नंबर 7 सेंटेंस पे, क्या तुम मुझसे मजाक करते रहोगे, क्या तुम मुझसे मजाक करते रहोगे, इंट्रोगेटिव, विल यू कीप ऑन जोकिंग विद मी क्या तुम मुझसे मजाक करते रहोगे। तो फ्रेंड्स अब कुछ सेंटेंसेस एज एन एक्टिविटी, जैसा कि तकरीबन मैं हर वीडियो के अंदर एक्टिविटी देता रहता हूँ, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको आपने ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। नंबर 1 सेंटेंस है वो मेरी मदद करता रहता है, हेल्प वर्ब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तमाम जो सेंटेंसेज है उनके जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है और ING आप अपनी तरफ से दे देना। नंबर 2 सेंटेंस, जहीर सारा दिन नहीं खेलता रहता है। नंबर 3 सेंटेंस है, क्या आप लंदन जाते रहते हो। नंबर 4, जूही चावला कराची आती रहती थी। नंबर 5, क्या मुकेश सारा दिन चाय पीता रहता था। नंबर 6, अब सारी रात हवा लगती रहेगी, हवा लगना बिलो। नंबर 7, क्या वो मेरी तारीफ करता रहेगा, एडमायर वर्ब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि कीप ऑन और केप्ट ऑन का यूज कैसे किया जाता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि कीप ऑन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल होता है, जबकि केप्ट ऑन जो है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट ही शी इट या नाउन सिंगुलर होगा तो हम SES या IS जो होता है वो कीप के अंदर लगाएंगे, कीप ऑन कर देंगे उसको, तो बाकी IS तो नहीं लगेगा, सिर्फ एस ही लगेगा, तो हम कीप ऑन कर देंगे इसको। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर पहले सेंटेंस में अफर्मेटिव में हम जो है केप्ट ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जब सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दें तो फिर आप जो है डिड नॉट के साथ जो है सिर्फ कीप ऑन लगाएंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर तमाम सेंटेंसेस के अंदर हम जो है कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वर्ब की ING वाली फॉर्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये जो यूज आज मैंने पढ़ाया आपको, यूज ऑफ कीप ऑन प्लस केप्ट ऑन, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो यूज है ये बाकी यूज से थोड़ा आसान है। हम कह सकते हैं कि ये जो यूज है कीप ऑन और केप्ट ऑन ये बाकी यूजेज से थोड़ा आसान है, इसलिए आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो एज एन एक्टिविटी सेंटेंसेज हैं वो भी बआसानी जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब आपका दोस्त बालमदास आपसे इजाज़त चाहता है, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप दोस्तों में से किसी ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो ऑन टाइम आप तक जो है पहुँचते रहें।
तो अब आपका दोस्त बालमदास आपसे इजाज़त चाहेगा, फिर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, टाटा।